हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, टाइटल देखिए, आपको पता ही चल गया होगा कि मैं एक वन ब्रांड मेकअप लुक करने वाली हूँ। जी हाँ गाइस, तो ये जो मैंने आज मेकअप लुक क्रिएट किया है, ये एक वन ब्रांड मेकअप लुक है। जी हाँ, और NY Bae का आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। सो गाइस, आई होप आपको मेरा ये लुक और मेरा ये वीडियो पसंद आए। मेरे जो NY Bae के प्रोडक्ट हैं, वो सारे ही मेरे इस बॉक्स में हैं, आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो ये NY Bae के सारे प्रोडक्ट हैं जो मैंने मंगवाए और जिससे मैंने ये लुक क्रिएट किया। सो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस, प्रोडक्ट के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख लेना अगर आपको चाहिए। और गाइस, कुछ प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगे, कुछ प्रोडक्ट मुझे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लगे। तो जो प्रोडक्ट मुझे नहीं अच्छे लगे वो मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताती चलूंगी, और जो मुझे बहुत अच्छे लगे वो भी मैं आपको साथ साथ बताती चलूंगी। इन सारी चीजों को देखने के लिए आपको पूरा वीडियो वॉच करना पड़ेगा। तो चलिए, वीडियो का प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ओके, लेट्स बिगिन। तो गाइस, यहाँ पे मैंने अपने बालों को टाई कर लिया है, बैंड लगा लिया है, देन यहाँ पे मैं NY Bae का प्रो प्राइमर येलो कलर करेक्टर यूज कर रही हूँ। ये एज अ प्राइमर भी आप यूज कर सकते हो और एज अ करेक्टर भी यूज कर सकते हो। तो मैं जो है यहाँ पे अपने पूरे फेस को थोड़ा सा, जो मेरे कहीं कहीं थोड़े से ब्लैक पैचेस वगैरह हैं, उनको छुपाने के लिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। आप इसे यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप येलो करेक्टर भी यूज़ कर सकते हो। इसका एक ऑरेंज करेक्टर भी यूज़ कर सकते हो, इसका एक ऑरेंज और ग्रीन भी आता है। तो बस काफ़ी अच्छा वाला लगा मुझे ये NY Bae का प्रो प्राइमर। तो देन उसके बाद मैं एक NY Bae का ब्राइटन प्राइमर ले रही हूँ, जो इंस्टेंट ग्लो भी देता है आपको और आपके फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करता है। अगर आप इस प्राइमर को लगाते हो, ये बिल्कुल मैटिफाई कर देता है आपके जो भी आपने स्किन की प्रोटेक्शन जो पहले से की स्किन केयर की है, उसको मैटिफाई कर देता है और अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड करता है। सो गाइस, यहाँ पे मैं फाउंडेशन ले रही हूँ NY Bae का लिक्विड फाउंडेशन ड्यू ड्रॉप्स। गाइस, ये फाउंडेशन की पैकेजिंग मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, क्योंकि इसमें कुछ भी मतलब पम्प नहीं है, स्टिक नहीं है, इसको निकालने में बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो मैंने क्या किया, एक ब्रश की हेल्प से मैंने इसे निकाल लिया, टैप 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 करके पूरे अपने फेस पे मैंने इसको अप्लाई कर लिया, देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अब इसकी आते हैं कवरेज की बात, तो इसकी कवरेज बिल्कुल अच्छी नहीं है, बहुत लाइट कवरेज है, इसलिए मैं ये स्टिक यूज़ कर रही हूँ। NY Bae की स्टिक है जो कि फाउंडेशन स्टिक है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पे मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, NY Bae का कंसीलर। यस गाइस, तो कंसीलर जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ मैं लगा लूँगी, और उसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से टैप 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 करके पूरे फेस पे नहीं फैलाऊंगी, बस टैप 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 करके अंडर आई और नोज और जहाँ जहाँ मैंने लगाया सब जगह प्रैप कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ऐबे कुछ एक लिप बाम लगा लिया था, क्योंकि NY Bae का कोई लिप बाम नहीं था मेरे पास। तो गाइस, दैट्स इट। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है हाईलाइटर, ये NY Bae का लिक्विड हाईलाइटर है गाइस, बहुत अच्छा वाला हाईलाइटर है ये, शिमर ड्रॉप्स लिक्विड हाईलाइटर है। एंड इसका जो शेड है ये है 04 पर्ली पिंक। तो गाइस, ये आपके फेस को एकदम पिंकी सा कर देता है। अगर आपको ग्लो चाहिए और वो भी पिंक वाला ना, तो ये बेस्ट है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये आप ट्राई कर सकते हो, ये न्यू प्रोडक्ट है, मुझे बहुत पसंद आया। तो उसके बाद गाइस, इसको अच्छे से मैंने, ये लिक्विड है तो मैंने इसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंड की हेल्प से टैप टैप करके उसे भी ब्लेंड कर लिया। देन यहाँ पे मैं ले रही हूँ NY Bae का ये है कॉम्पैक्ट, और जो मैंने पहले दिखाया था पिंक वाला, वो था NY Bae का कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं था, वो कॉम्पैक्ट था जिससे हम एज अ फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये कॉम्पैक्ट पाउडर है तो मैं इसे अपने बेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, और वो मुझे नहीं यूज़ करना था, बस मैंने वो उसे आपको शो कर दिया कि वो एक कॉम्पैक्ट है मेरे पास। तो गाइस, उसे मैंने नहीं यूज़ किया है, मैंने ये कॉम्पैक्ट पाउडर अपने पूरे फेस को, पूरे बेस को सेट करने के लिए यूज़ किया है। जो भी चीज़ें लिक्विड होती हैं, लिक्विड मेकअप प्रोडक्ट आपके पास, उसको आप सबसे पहले मतलब पाउडर बेस को कवर करने से पहले आप कर लीजिए, मतलब लिक्विड पहले यूज़ कर लीजिए, लास्टली आप पाउडर फॉर्म में कुछ भी यूज़ करिए। देन यहाँ पे मैं आई मेकअप की तरफ चल रही हूँ, और आई मेकअप के पे सबसे पहले मैंने लगाया है कंसीलर, NY Bae का सेम कंसीलर। और कंसीलर लगाना बहुत ज़रूरी है, आपको पता है, अगर आप कंसीलर नहीं लगाते हो तो आपका जो बेस है, मतलब जो आई का जो बेस होता है ना, वो अच्छा नहीं होता है, तो आई लुक उभर कर नहीं आता है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने लगा लिया था, उसको कॉम्पैक्ट से पैक कर लिया था। देन यहाँ पे मैंने एक आई मेकअप कंप्लीट कर लिया है। देन उसके बाद में यहाँ पे ले रही हूँ, मैंने एक लुक कंप्लीट कर लिया है, तो मैं अब सेकेंड आई पे आपको करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया NY Bae का कोल काजल, जो कि काफ़ी अच्छा वाला काजल है, बहुत ही डार्क, ये बेस्ट है काजल, मतलब मुझे काजल बहुत अच्छा लगा NY Bae का।
आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत डार्क है देखिए, तरीके से आप एज अ लाइनर भी यूज़ कर सकते हो। ये द बिग एप्पल ऑफ माई आई काजल है जो कि एक रिजनेबल प्राइस में आता है। देन उसके बाद ये मैं ब्लू शेड ले रही हूँ, ये सेपरेट शेड आते हैं तो मैंने सेपरेट शेड ले रखे थे, तो इस वजह से मैंने कोई अलग से बड़ा पैलेट नहीं मंगवाया, मैंने सोचा मैं इसी से कुछ क्रिएट कर लूँगी। तो NYB का ये आता है 180-190 रुपीज़ समथिंग तक मिल जाता है ये सिंगल वाले आई शेडो। तो ये ब्लिंकिंग आई शेडो है और इसका शेड है हाई लाइन 22 ब्लू वाला शेड। और ये जो सेकंड शेड मैं यूज़ कर रही हूँ ये पीछे से, ये शेड तो मतलब माइंड ब्लोइंग शेड है गाइस, ये बहुत बेस्ट वाला शेड है। NYB ब्लिंकिंग आई शेडो जिसका जो इसका जो नंबर है वो है 23। तो गाइस सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रही हूँ ब्रश ना, वो कट्स एंड लैशेस का ब्रश है, सेम जो मैंने आई लिड पे अप्लाई किए हैं कलर एज अ टेस्ट, वो मैं लोअर वाटर लाइन पे भी अप्लाई करूँगी। हाफ में मैंने पीच अप्लाई कर लिया है एंड हाफ में मैं ब्लू अप्लाई कर लूँगी। सो गाइस ये जो लुक है बहुत ही सिंपल है बट काफ़ी इन्हेंस होकर आ रहा है। तो देन उसके बाद मैंने सेम NYB का को लिया है, काजल लिया है और उसको पूरे वाटर लाइन पर अप्लाई कर लूँगी। देन यहाँ पे मेरे पास एक ब्लू लाइनर भी था, ब्लू आईलाइनर था NYB का, तो मैंने उससे भी अप्लाई किया है थोड़ा सा। तो दैट्स इट, NYB प्रो रेडी आई शेडो पेंसिल इसको बोलते हैं। तो ये हो गया आई शेडो पेंसिल की वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, सेम NYB की आईब्रो पेंसिल है, ब्रो लाइन ब्रिज आईब्रो पेंसिल यस गाइस, जो कि स्मच प्रूफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। देन उसके बाद मैंने अपने ब्रो बोन को हाईलाइट किया है कंसीलर लगाकर, दैट्स इट। उसको मैं अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर के हाथ से ब्लेंड कर लूँगी। देन यहाँ पे मैंने लिया है लैशेस जो कि मैंने अप्लाई कर लिए हैं। देन NYB की कंट्रोल स्टिक ले रही हूँ, उससे अपने पूरे फेस को कंट्रोल करूँगी। लिक्विड में मैंने अगर मतलब क्रीम फॉर्म में अगर मुझे कुछ कंट्रोल स्टिक पसंद है तो मुझे NYB की कंट्रोल स्टिक बहुत पसंद है। एक तो रिजनेबल प्राइस में आती है, उसके बाद ये बहुत अच्छे से ईजिली ब्लेंड हो जाती है गाइज, और बहुत अच्छे से आप इसको लगा के तुरंत ब्लेंड कर दो या थोड़ी देर रुक के भी ब्लेंड करोगे तो वो ब्लेंड हो जाती है। देन उसके बाद मैंने नोज पर थोड़ा हाईलाइट करने के लिए यही सेम जो है NYB का सिमर ड्रॉप लिक्विड हाईलाइटर लिया, बट ये गोल्डन शेड में है, पिंक वाला नहीं है। जो मैंने पहले यूज़ किया था वो पिंक था, ये गोल्डन शेड में है। दो शेड थे मेरे पास, मैंने दोनों अप्लाई किया है और दोनों ही बेस्ट है गाइस। अगर आप लिक्विड हाईलाइटर पर जाना चाहते हो तो ये आप ले सकते हो, तो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आपको लेना हो तो आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से लिक्विड हाईलाइटर को भी ब्लेंड किया है और दैट्स इट। उसके बाद मैंने थोड़ा सा चीक पे भी गोल्डन बेस, मैंने सोचा कि थोड़ा सा गोल्डन लगा लेती हूँ, वैसे तो मैंने पिंक वाला लगाया था और आपको मेरा फेस जो है उस टाइम पिंक दिख भी रहा होगा। देन यहाँ पे मैं NYB का लिप एंड द सिटी लिप पेंसिल ले रही हूँ और देन उसके बाद मैं लिप पेंसिल अप्लाई कर लूँगी जो कि मरून शेड में है। सो गाइस NYB की कुछ लिपस्टिक थी मेरे पास जिसमें से मैंने NYB स्नो फ्लेक की सिर्फ 8 ली, ये डार्क बहुत डार्क शेड था तो मैंने इसे लगाया, बट मुझे बहुत डार्क लग रहा था, मुझे न्यूट्रल पे जाना था तो मैंने NYB की 5-in-1 लिपस्टिक ले ली। देन उसको रिमूव करके मैंने ये वाला शेड लगा लिया, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। देन मेरा मेकअप हो गया कम्प्लीट, मैंने चूड़ियाँ वेयर की, इयरिंग वेयर किए और दैट्स इट। और यहाँ पे मैं NYB का डेली फिनिश सेटिंग स्प्रे लेना भूल गई थी, बट गाइस ये इतना गंदा वाला है कि मैंने इसको नहीं लगाया, इसकी स्मेल बिल्कुल डिओड्रेंट जैसी है, परफ्यूम जैसी, आप इसको बिल्कुल परचेज मत करना, दिस इज़ वेरी बैड, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। सो गाइस दिस इज़ माय फाइनल लुक, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा ये लुक पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।